Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल माय डे अमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं FM WhatsApp के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो FM WhatsApp है वो आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स प्रदान करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे आज हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट चैट को हाइड करना चाहते हैं तो कैसे हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो आपका FM WhatsApp है इसमें आपको हाइड करने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपके पिन के द्वारा आप हाइड कर सकते हैं, अपनी फिंगरप्रिंट के द्वारा हाइड कर सकते हैं और आप पैटर्न के द्वारा भी हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनको हाइड करना है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है, अक्सर होता है कि लोग हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं या फिर कोई भी लोग होते हैं, हमारे मोबाइल को पाते ही हमारे वो व्हाट्सएप पर जाते हैं और हमारे वो पर्सनल चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमें हाइड करके रखना चाहिए और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम हाइड करके रखें, तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर और आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको अपने FM व्हाट्सएप के पर्सनल कॉन्टेक्ट चैट को हाइड करना है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, इस समय आप आ चुके हैं हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप का पर्सनल कॉन्टेक्ट चैट हाइड कर सकते हैं। तो चलिए आपने मैं FM WhatsApp को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, FM WhatsApp को ओपन करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे जो कॉन्टेक्ट चैट्स हैं ओपन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब इनमें से हम कोई एक कॉन्टेक्ट चैट्स को आपको हाइड करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मान लीजिए हम ये वाला जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट चैट्स है इसको मैं हाइड करना है। तो फ्रेंड्स, क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसको भी आपको थोड़ी देर प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ऊपर जो थ्री डॉट लाइन है फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करते हैं तो आपको इनमें से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, हाइड चैट। तो फ्रेंड्स, जैसे आप हाइड चैट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपसे पैटर्न लॉक मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार यहाँ पर पैटर्न लॉक आप दे दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा देता हूँ। तो मैंने पैटर्न लॉक लगा दिया और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारा जो चैट था वो हाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा चैट था वो हाइड हो चुका है। ऐसे चाहे तो आप बहुत सारे चैट्स को हाइड कर सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये तो रही हाइड करने की बात, अब आपको मैं बताता हूँ कैसे इसको अनहाइड करना है। तो फ्रेंड्स, अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पर हमारे एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा FM WhatsApp। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर FM WhatsApp पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पर वो पैटर्न लॉक मांगा जाता है जो आपने डाला था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उस पैटर्न लॉक को डालता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उस पैटर्न लॉक को डाला तो जो मेरा हाइड कॉन्टेक्ट था यानी चैट था वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टेक्ट चैट था वो अनहाइड हो चुका है। तो अनहाइड करने के लिए आपको एक बार फिर से इस पर प्रेस करना है और यहाँ पर थ्री डॉट लाइन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि FM WhatsApp में आपको पैटर्न और पिन और फिंगरप्रिंट, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं हाइड करने के। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से वो ऑप्शन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर ऊपर राइट साइड में आपको यहाँ पर एक की दिख रही होगी, तो आपको इस की पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न, पिन और फिंगरप्रिंट, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार कोई भी यहाँ पर पैटर्न लगा सकते हैं या फिर पिन लगा सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन यानी स्मार्टफोन आपका फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता होगा तभी यहाँ पर ही आपका फिंगरप्रिंट सपोर्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर फिर भी दो लॉक मिल जाते हैं, एक पैटर्न का एक पिन का, अगर आपके पास फिंगरप्रिंट सपोर्टेड स्मार्टफोन नहीं है तो, अगर है तो आपको यहाँ पर तीनों मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिंगरप्रिंट भी लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फिंगरप्रिंट पे। जैसे हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करते हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसको अनहाइड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इसको एक बार फिर से सेलेक्ट करना है और ऊपर थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर
अनहाइड चैट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पर फिंगरप्रिंट यानी मांगने लगा है, क्योंकि मैंने अभी फिंगरप्रिंट पर कर दिया था। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट अपना लगाता हूँ और देखता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कॉन्टेक्ट चैट था वो अनहाइड हो चुका था, उसके बाद में हाइड हुआ, फिर अनहाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आप अपने सारे कॉन्टेक्ट चैट को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है। प्लीज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।